हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि पिछले कई महीनों से हमारे पूरे प्रदेश के हमारे बहुत से अध्यापक भाई एवं शिक्षा मित्र भाई बहने नोडल अधिकारी के रूप में राशन वितरण की दुकानों पर कार्य कर रहे हैं, वितरण की कार्यवाही करवा रहे हैं और आगे के महीनों में भी, अगले 3 महीनों तक आदेश आया है कि इनका कार्यकाल जो है राशन वितरण की दुकानों पर जो है अगले 3 महीने तक इनको पुनः तैनात कर दिया गया है और उन्हें राशन वितरण की दुकानों पर तैनात रहने का आदेश दिया गया है। आइए देखते हैं ये आदेश क्या है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए आदेश आपके सामने प्रस्तुत है। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ, पत्रांक ये 2 जुलाई 2020 एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 30/6/2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 माह यानी जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में माह जुलाई 2020 से माह नवंबर 2020 तक संपन्न होने वाले वितरण में सम्यक विचारोपरांत निर्णय निम्नानुसार किए गए हैं। का वितरण, वितरण का प्रथम चक्र प्रत्येक माह की 5 तारीख से प्रारंभ होकर 14 तारीख तक संपन्न होगा। पोर्टेबिलिटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान वितरण माह की दिनांक 9 से 12 तक जनरेट किए जा सकेंगे। प्रथम चक्र में वितरण की अंतिम तिथि अर्थात माह की 14 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जा सकेगा। पॉइंट 2 है, प्रत्येक माह के प्रथम चक्र की समाप्ति के पश्चात वितरण का ऑनलाइन डाटा सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा 48 घंटे के अंदर NIC को उपलब्ध कराया जाएगा और मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घंटे के अंतर्गत NIC द्वारा इस संबंध में दी गई व्यवस्था अंतर्गत फीड किया जाएगा। वितरण का द्वितीय चक्र प्रत्येक माह की 21 तारीख से प्रारंभ होकर 30 तारीख तक संपन्न होगा। पोर्टेबिलिटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान वितरण माह की दिनांक 25 से 28 तक जनरेट किए जा सकेंगे। द्वितीय चक्र में वितरण की अंतिम तिथि अर्थात माह की 30 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त ना कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जाएगा। तो मित्रों, ये आदेश काफ़ी लंबा है, हम आपको मेन आदेश दिखाते हैं जहाँ पर हमारे अध्यापकों से संबंधित बात कही गई है। थोड़ा इसमें वार्निंग भी दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के लिए कहा गया है और इसमें 3 रूल भी इसमें है। योजना का प्रचार प्रसार करने की बात भी हो रही है, आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन करने के लिए भी कहा गया है। और मेन टॉपिक क्या है, मैं इसको क्यों लेकर के आया है, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे अध्यापक बंधुओं के विषय में क्या कहा गया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये है पॉइंट नंबर आठ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ कि नोडल अधिकारी के रूप में लगाए गए सहायक अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को पत्र की प्रति प्राप्त कराते हुए संबंधित को निर्देशित कर दें कि माह जून 2020 की भांति अग्रिम माहों में भी संबंधित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर नियमानुसार अपनी उपस्थिति में कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराएं। किसी भी नोडल अधिकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो मित्रों, समझ गए होंगे, ये रहा जो है 8वां नंबर जो हमारे शिक्षकों और शिक्षा मित्रों भाइयों से संबंधित है और उन्हें अग्रिम माहों में जो है राशन वितरण की, खाद्यान्न वितरण की दुकानों पर जो है तैनात रहना है नोडल अधिकारी के रूप में और वितरण का कार्य संपन्न कराना है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।